नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई, दिन शनिवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अयोध्या राम मंदिर से भी भव्य बन रहा बिहार में विराट रामायण मंदिर। एसटीईटी 2024 के पेपर 1 की जारी हुई उत्तर कुंजी। किसान अपनी जमीन पर तालाब या निजी कूप के निर्माण के लिए यहां करे आवेदन। आज रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आएंगे सामने। प्रदेश के 18 जिलों में सर्वे का काम शुरू करने का मिला आदेश। एचडीएफसी बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना। इंडिया जिम्बाब्वे T20 के चौथे मैच को जीतकर इंडिया सीरीज कब्जा करने की होगी कोशिश। अब चलिए बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली भर्ती, जल्द करे आवेदन। बैंक में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक है तो ये जॉब वैकेंसी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। दरअसल देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा विभिन्न विभागों में ऑफिसर के पदों पर अस्थायी आधार भर्ती के लिए अधिसूचना आई है। इस भर्ती के तहत विभिन्न पदों पर कुल 195 भर्ती होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से PDF डाउनलोड करके कर सकते हैं। फिर इसे प्रिंट करवाने के बाद भरने के साथ ही जरूरी दस्तावेजों के साथ अटैच करके इसे 1180 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ जनरल मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र HRM डिपार्टमेंट हेड ऑफिस लोक मंगल 1501 शिवाजी नगर पुणे 411005 में जमा करवा सकते हैं। किसान अपनी जमीन पर तालाब या निजी कूप के निर्माण के लिए यहां करे आवेदन। किसान भाइयों को यदि अपनी जमीन पर तालाब या निजी कूप का निर्माण करवाना है तो इस संबंध में IPRD बिहार ने जानकारी साझा की है, जिसके मुताबिक इसके निर्माण के लिए किसान भाई चाहें तो bwds.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन की अंतिम तारीख 20 जुलाई 2024 है। ये सुविधा आपको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। इस योजना का लाभ बिहार के सभी पंजीकृत किसानों को दिया जाएगा। आवेदन करने के दौरान जरूरी दस्तावेजों में आपके पास आधार कार्ड, वर्तमान समय की जमीन रसीद या LPC, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगेंगे। आवेदन करने के लिए सबसे पहले हमारे द्वारा बताए गए वेबसाइट पर आपको जाना होगा। फिर आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करके सर्च बॉक्स में किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करें। आवेदन और मांगी जा रही सभी जानकारी को विस्तृत रूप से भरने के बाद इस फॉर्म को सबमिट कर दें। पटना के अलावा इन 4 शहरों में मेट्रो रेल को शुरू करने के लिए फंड को मिली मंजूरी। पटना में मेट्रो रेल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पटना के अलावा प्रदेश सरकार ने 4 शहरों में भी मेट्रो रेल को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसी के तहत राज्य सरकार द्वारा फंड को मंजूरी भी दी जा चुकी है, जिसमें मेट्रो रेल से जुड़ी विस्तृत योजना तैयार की जा सके। इन 4 शहरों में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शामिल है। इन शहरों में मेट्रो रेल परियोजना का समाव्यता कन्नयन, विस्तृत परिचालन योजना और वैकल्पिक विश्लेषण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए राइट्स लिमिटेड को 702.10 लाख रुपये व्यय की स्वीकृति मिली है। आज रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आएंगे सामने। बिहार में रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो चुके हैं। अब आज इस चुनाव के परिणाम की घोषणा की जाएगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू है, तो ऐसे में उम्मीद है कि ये चुनावी परिणाम दोपहर तक आ जाए। चुनाव आयोग ने बताया है कि रुपौली विधानसभा सीट पर शाम 6 बजे तक करीब 52.75% मतदान हुए थे। इस चुनाव में कुल 10 पुरुष और 1 महिला उम्मीदवार थी। मुख्य मुकाबला जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल और राजद प्रत्याशी बीमा भारती के बीच था। हालांकि परिणाम घोषणा के बाद ही पता चलेगा कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 48 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन CM नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान 48 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है कि सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। इसके अलावा बिहार पुलिस चालक संवर्ग 2024 के गठन को स्वीकृति मिली है। पटना हाईकोर्ट में नगर प्रबंधकों के 163 से अधिक पदों पर संविदा पर नियुक्ति को मंजूरी मिली है। सेवा में बर्खास्त वाल्मीकि नगर के तत्कालीन सहायक अभियंता प्रवीण कुमार द्वारा दंड के विरुद्ध समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। दूसरे राज्यों को जाने वाली बसों के परमिट की होगी जांच।
उन्नाव बस हादसे के बाद बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार से दूसरे राज्यों को जाने वाली बसों के परमिट की जांच की जाएगी। इसकी जानकारी परिवहन मंत्री शीला मंडल ने दी है। उन्होंने उन्नाव बस हादसे की चर्चा करते हुए कहा कि ओवरटेक करने के कारण हादसा हुआ है। बस चलाते समय चालक ने सावधानी नहीं बरती, जबकि उसे ऐसा करना चाहिए था। परिवहन मंत्री ने बताया कि बस में कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। बस के कई पेपर नहीं थे, इसलिए बिहार से अन्य राज्यों के लिए चलने वाली बसों के परमिट की कड़ाई से जांच होगी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या राम मंदिर से भी भव्य बन रहा बिहार में विराट रामायण मंदिर। बिहार के मोतिहारी में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण का काम शुरू है। उम्मीद है कि आने वाले 2 सालों में ये विराट रामायण मंदिर भी बनकर तैयार हो जाए। इसकी जानकारी महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने दी है। ये विराट रामायण मंदिर अयोध्या राम मंदिर से भी 3 गुना बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। इसके मंदिर का निर्माण पटना महावीर मंदिर को मिलने वाले दान से करवाया जा रहा है। विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाले शिवलिंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह शिवलिंग विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा। अब इस मशीन की मदद से वज्रपात गिरने के 40 मिनट पहले लोगों को किया जाएगा अलर्ट। प्रदेश में कई जगहों पर आसमानी बिजली और ठनका गिरने से लोगों की मौत हो गई है। इसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने एक जरूरी फैसला लिया है। दिए गए इस फैसले के तहत जिले के सभी पंचायतों में एक ऐसी मशीन लगाई जाएगी जो वज्रपात गिरने के पहले ही जानकारी देकर लोगों को सतर्क करेगा। ठनका गिरने के 40 मिनट पहले इस मशीन का हूटर बजेगा। फिलहाल नालंदा से इसकी शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि नालंदा जिला वज्रपात गिरने के मामले में अति संवेदनशील घोषित किया गया है। एसटीटी 2024 के पेपर 1 की जारी हुई उत्तर कुंजी। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के पेपर 1 की के लिए अनौपचारिक उत्तर कुंजियां बिहार बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई हैं। इन उत्तर कुंजियों को डाउनलोड करने के लिए secondary.biharboardonline.com पर जा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के पेपर 1 में 1 मार्च से 20 मार्च तक उम्मीदवार सम्मिलित हुए थे। यदि उम्मीदवारों को डाउनलोड किए गए उत्तर कुंजी में संबंधित अपनी आपत्ति दर्ज करवानी है तो इसके लिए आप इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं। प्रदेश के 18 जिलों में सर्वे का काम शुरू करने का मिला आदेश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 18 जिलों में सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। प्रदेश में पहले से ही अब 20 जिलों में ये काम चल रहा है। भूमि सर्वेक्षण के इस कार्य को लेकर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा है कि सर्वेक्षण को चुनाव की तर्ज पर पूरा करें। उन्होंने कहा है कि अगले 2 महीने तक हर 1 सप्ताह सर्वे की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा की जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि नियोजित 9,888 सर्वे कर्मियों को सर्वे ऑफिस में प्रशिक्षण दिया जाए। ये सभी 3 सप्ताह के व्यवहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण के बाद सर्वे के कार्य में लगेंगे। HDFC बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना। HDFC बैंक अकाउंट वालों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल HDFC बैंक की कुछ बैंकिंग और पेमेंट सर्विस सुबह 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक सिस्टम अपग्रेड के कारण उपलब्ध नहीं रहेगी। बैंक ने अपने ग्राहकों को इसकी सूचना भेज दी है। UPI ट्रांजेक्शन में भी इस दौरान 13.5 घंटों तक लगभग नहीं हो सकेगा। हालांकि नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा आंशिक रूप से उपलब्ध देखने को मिल सकती है। बैंक ने कहा है कि हम शनिवार 13 जुलाई 2024 को सुबह 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक HDFC बैंक में सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की कमेटी ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर तैयार किया ये प्रस्ताव। बीते दिन शिक्षा विभाग की कमेटी ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना को लेकर बैठक की। इस दौरान कई जरूरी प्रस्ताव तैयार हुए। कमेटी ने मानवीय पहलुओं पर ध्यान देते हुए प्रस्तावित नीति पर असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों या यदि किसी शिक्षक के आश्रित असाध्य रोग से पीड़ित हैं उन्हें राहत देने की कोशिश की है। ऐसे में शिक्षकों की पदस्थापना उनके सुविधा के हिसाब से ही होगी। वहीं यदि पति पत्नी दोनों ही शिक्षक हैं तो दोनों की पोस्टिंग एक ही स्कूल में देने की कोशिश की जाएगी। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो उन्हें आसपास के स्कूल में ही पोस्टिंग देने की कोशिश रहेगी।
ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर राज्य के 82% शिक्षक लगा रहे हाजिरी। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर राज्य के सरकारी स्कूलों के औसतन 82% शिक्षक अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। हालांकि अभी भी जो शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगा पा रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कार्य विभाग की निगरानी में किए जा रहे हैं। जल्द ही 100% ऑनलाइन हाजिरी के लक्ष्य को भी संभव बना लिया जाएगा। जिलों के रिपोर्ट के मुताबिक करीब 75,000 स्कूलों में 400 ऐसे स्कूल हैं जहाँ एक भी शिक्षक हाजिरी नहीं बना पा रहे। 11 जुलाई को रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कैमूर में 66 स्कूल और सहरसा में 31 स्कूल हैं। विभागीय पदाधिकारियों के मुताबिक सुदूर इलाके में इंटरनेट सेवा के ठीक से काम नहीं करने से ये परेशानी आ रही है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी पर बिहार के पर्वतारोही लक्ष्मी ने फहराया तिरंगा। बिहार के सहरसा की रहने वाली पर्वतारोही लक्ष्मी ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा लहराया है। इस सफलता को हासिल करने के बाद लक्ष्मी ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को दिल्ली से चेन्नई, फिर चेन्नई से रात 10 बजे फ्लाइट पकड़कर सुबह 5 बजे मलेशिया एयरपोर्ट पहुंचे, फिर वहां से डोमेस्टिक फ्लाइट से कोटा किनाबालू पहुंचे। वहां 2 दिनों के रेस्ट के बाद 8 जुलाई को सबमिट के लिए निकल पड़े। सुबह 10 बजे से चढ़ाई स्टार्ट किया गया। शाम 4 बजे तक बेस कैंप पहुंचे, वहां से सुबह 3 बजे सबमिट के लिए निकल गए और 6:40 पर मेरा सबमिट पूरा हुआ। उन्होंने बताया कि इस दौरान कई मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा। मौसम खराब था, उनकी तबीयत भी बिगड़ी, लेकिन उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा। राज्य के 12 जिलों में वज्रपात से 21 लोगों की मौत। राज्य के 12 जिलों में वज्रपात से 21 लोगों की मौत हो गई। इस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी मामले में 8 जिलों के प्रधानाध्यापक पर हुई कार्रवाई। सरकारी स्कूल के मध्याह्न भोजन योजना में कई बार गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं, लेकिन गड़बड़ी करने वालों पर सरकार सख्ती से निपटने का काम कर रही है। दरअसल व्हाट्सएप के जरिए शिक्षा विभाग को इस मामले में कई शिकायतें मिली थी, जिसकी जाँच जिलाधिकारियों को करने के निर्देश दिए गए थे। अब इस मामले में राज्य के 8 जिलों के 18 स्कूल के प्रधानाध्यापक पर अनुशासनिक कार्रवाई हुई है, जिसमें अररिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, जहानाबाद, किशनगंज, सहरसा और भागलपुर शामिल है। साथ ही मध्याह्न भोजन की आपूर्ति करने वाली एजेंसी से 50,000 रुपए की वसूली हुई है। बिहार के इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट हुआ जारी। बीते दिन प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। हालांकि आज से मॉनसून थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। आज प्रदेश में कुछ ही जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसके मुताबिक कैमूर, बक्सर, गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज, अररिया, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार में किया 2 स्थानों पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना है। पटना में पुलिस ने देसी शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी के मामले पकड़ में आ रहे हैं। इसी कड़ी में घोसफरी पुलिस ने थाना अध्यक्ष अजीत कुमार के नेतृत्व में वाहन जाँच के दौरान एक बाइक पर बोरी में बंद देसी शराब को बरामद किया है। इस दौरान 2 शराब तस्कर राहुल और प्रमोद भी पुलिस की पकड़ में आ गए। ये दोनों ही इस देसी शराब को पाउच में पैक करके डिलीवरी के लिए ले जा रहे थे, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सुनहरा अवसर। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्नातक सत्र 2024-28 में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है। अब स्पॉट राउंड के तहत कई कॉलेजों में बची हुई सीटों पर एडमिशन लिए जाएंगे। छात्र चाहे तो 13 और 14 जुलाई को इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं जिनका किसी वजह से नामांकन रद्द कर दिया गया था। विद्यार्थियों द्वारा आवेदन किए जाने के लिए मेरिट लिस्ट कॉलेज जारी करेगा। फिर 15 जुलाई शाम 5 बजे तक ऑफर लेटर एडमिशन लेने वाले कॉलेजों में जाकर जमा करना होगा। इंडिया जिम्बाब्वे T20 के 4th मैच को जीतकर इंडिया सीरीज कब्जा करने की होगी कोशिश। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को पहले T20 में करारी हार मिली थी।
लेकिन अब अगले दो मैच को अपने नाम कर टीम ने जोरदार वापसी की है। इस जीत के साथ ही टीम 2-1 की बढ़त के साथ सीरीज के मुहाने पर आ चुकी है। अब आज भारतीय टीम हरारे स्पोर्ट्स क्लब में सीरीज का चौथा मैच जिम्बाब्वे के साथ खेलेगी। इस मैच में भारतीय टीम की नज़र ट्रॉफी पर होगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में थोड़े बहुत बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1803 में राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया था। आज के दिन वर्ष 1905 में कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। आज के दिन वर्ष 1929 में क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी। आज के दिन वर्ष 1977 में भारत सरकार ने भारत रत्न सहित अन्य नागरिक सम्मानों को वापस लेने की घोषणा की थी। आज के दिन वर्ष 1941 में सुनीता जैन का जन्म हुआ था। ये हिंदी और अंग्रेजी के आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे पेंशन के नियमों को लेकर फैल रहे इस खबर के बारे में। एक YouTube चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूज कास्ट के वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने नई पेंशन नियमों को मंजूरी दे दी है और हर साल 1% तक पेंशन में वृद्धि होगी। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पेंशन के नियमों में कोई बदलाव नहीं किए हैं। इस वीडियो में किया जा रहा है कि दावा पूरी तरह से फर्जी है। सोशल मीडिया पर देखी गई इस तरह की खबरों पर बिना सत्यता के विश्वास करने से बचें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाउन वोट नाम का आ सकता है ये फीचर। एलन मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक डाउन वोट नाम का मजेदार फीचर लेकर आने वाले हैं। इस डाउन वोट को ब्रोकन हार्ट आइकन से विजुअलाइज किया जाता है। इस फीचर पर फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। टेक क्रंच ने एक्स के मौजूदा दिल के आकार के लाइक बटन के बगल में स्थित ब्रोकन हार्ट आइकन की रिपोर्ट की है। इससे एक्स प्लेटफॉर्म यूजर का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर होगा। बेंचमार्क के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के साथ ही दलाल स्ट्रीट पर दिखी तेजी। बीते दिन बेंचमार्क के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के साथ ही दलाल स्ट्रीट पर तेजी वापस आती देखने को मिली। TCS की पहली तिमाही के नतीजे उम्मीद के अनुरूप रहे। इसके बाद IT शेयरों की अगुवाई में बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स बाजार के अंत में 622 अंक या 0.78% ऊपर 80,519.34 पर बंद हुआ। निफ्टी 186.20 अंक या 0.77% के ऊपर 24,502.20 पर नजर आया। हफ्ते के दौरान BSE, सेंसेक्स और निफ्टी में 0.5% से अधिक की वृद्धि हुई। भारतीय बेंचमार्क कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद उच्च स्तर पर खुले। निफ्टी ने इस दौरान पहली बार 24,500 को पार किया है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे ब्रह्मजुनी हिल के बारे में। गया के ब्रह्मजुनी हिल चारों तरफ से पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों से घिरा है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती चारों तरफ से हरे भरे घास, गुफाओं पर पत्थरों की आकर्षक नक्काशी देखते बनती है। यहाँ से आपको विष्णुपद मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। लोगों के बीच प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक बुद्ध ने 1000 पुजारियों को इन गुफाओं में ही अग्नि उपदेश दिए थे। इस मंदिर का नाम विष्णुपद पड़ा। इसके पीछे की कथा भी रोचक है। कहते हैं भगवान बुद्ध के पैरों के निशान पर इस मंदिर को बनाया गया था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 1956 में राज्यों के पुनर्निर्माण के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में पहुँचा दिया गया था? ऑप्शन है मिदनापुर, ऑप्शन बी है पुरुलिया, ऑप्शन सी है बकुरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पुरुलिया। किस मुगल शासक ने बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है जहांगीर। इसका सही उत्तर है अकबर। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? ऑप्शन ए है जल मंत्रालय, ऑप्शन बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है?
ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चाड, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही उत्तर है रूस। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब उनके नाम है कंचन राजवंशी, चुन्नू कुमार शर्मा, कल्याणी चौधरी, विकास दास, पंकज कुमार दास, कमल कुमार, सुमन कुमार मिश्रा, उमेश चंद्र वर्मा, संजय कुमार, कुश कुमार यादव, सादुल्ला पालवी, पंकज यादव। उसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।